नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना राजपूत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे और लेके आई हूं आपके लिए फिर एक नया वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में और उससे जुड़ी हुई ऐसी 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिनको लेने के बाद आपके माइग्रेन का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और किन लोगों में ज्यादा होता है। लास्ट में कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जिनको लेने के बाद आपके माइग्रेन का प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन एक तरीके का सर का दर्द होता है, या तो वो आपके लेफ्ट साइड में हो सकता है या वो आपके राइट साइड में हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आपके सर के एक छोटे से पार्ट से शुरू होकर धीरे धीरे करके आपके पूरे सर को कवर कर ले। इसके साथ साथ आपको ये दर्द जो है वो कई दिनों तक चल सकता है, आपको जी मिचलाने जैसा लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि आपको वॉमिटिंग भी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ये आपको कैसे होता है। आपके ब्रेन के अंदर कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि कुछ सेल्स के गुच्छे होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। उन न्यूरॉन्स के अंदर एक तरीके की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो कुछ रीजंस की वजह से बढ़ जाती है और आपको माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि फीमेल्स को ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। अगर हम इसके कॉजेस के ऊपर आए तो इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहला ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके ब्लड रिलेशन में, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये आपको भी डेवलप हो जाए। स्ट्रेस अगर आपको है तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टबैको लेते हैं, या फिर सडन सन एक्सपोजर में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर की तेज धूप के दौरान भी आपको माइग्रेन डेवलप हो सकता है। और काफ़ी सारे फीमेल्स में ये देखा गया है कि उनको माइग्रेन डेवलप हो जाता है मेनोपॉज के दौरान या फिर उसके बाद में। नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके सिम्टम्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्रोड्रोमल फेज, नेक्स्ट इज ऑरा, थर्ड वन इज अटैक एंड फोर्थ इज पोस्ट्रोमल फेज। दोस्तों प्रोड्रोमल फेज की अगर हम बात करें तो अचानक से जितने भी मैंने आपको भी कॉजेज बताए हैं कि स्ट्रेस, एल्कोहल, स्मोकिंग, मेनोपॉज के बाद नींद पूरी नहीं होने की वजह से या तेज धूप में बाहर जाने की वजह से, अचानक इन कॉजेस की वजह से आपके ब्रेन सेल्स में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑरा। ऑरा फेज में क्या होता है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको अभी माइग्रेन का अटैक होने वाला है। जैसे कि आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट आना, आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगेगा, आपके कान में सीटियां बजने लगेंगी, तो ये फेज होता है ऑरा का, जिसमें आपको पहले से महसूस होने लगता है कि अब आपको माइग्रेन का अटैक होने वाला है। एंड थर्ड वन इज अटैक, जिसमें आपको सीवियर दर्द होगा, आपको थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग पेन हो सकता है, आपकी नस ऐसे टुक 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 दिल की धड़कन की तरह एकदम फास्ट फास्ट होने लगेगी, इस तरीके का दर्द आप महसूस करेंगे। उसके साथ साथ आपको नौजिया मिलेगा। फोर्थ फेज इज पोस्ट प्रोड्रोमल फेज, जिसमें आपका हेडेक जा चुका होगा, आपको नौजिया जा चुका होगा, लेकिन पेशेंट को एक्सट्रीम वीकनेस फील होगी। दर्द ठीक हो जाता है लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। पेशेंट बिल्कुल अंधेरे में रहना पसंद करता है। इस फेज में पेशेंट किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, एकदम लेटे रहना पसंद करता है। बंद कमरे में पेशेंट बोलेगा कि आप एकदम लाइट बंद कर दीजिए, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। ये फेज होता है पोस्ट्रोमल फेज। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिनको लेने के बाद आपके माइग्रेन का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सर दर्द, यानी कि माइग्रेन, अगर आपको लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड आपका ज़्यादा अफेक्ट होता है, पीछे से दर्द शुरू होके आगे आंखों तक आता है, आंखों को पूरा कवर कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्पाइजीलिया ले सकते हैं। स्पाइजीलिया 30 का आपको यूज़ करना है। स्पाइजीलिया 30 की 4-4 बूंदें दिन में 3-4 बार आप रिपीट करें। कम से कम 15-20 दिनों के लिए आप इसको लगातार रिपीट करें और आप देखेंगे कि आपके सर दर्द का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ठीक हो गया है। सेकेंड मेडिसिन इज सैंग्विनेरिया 30। सैंग्विनेरिया 30 हम पेशेंट को तब देते हैं तब पेशेंट को राइट साइड में दर्द होता है, पीछे से शुरू होके आगे आता है, आगे जो राइट आई है वहाँ पे आके सेटल हो जाता है और पेशेंट को थ्रॉबिंग पेन होता है।
पेशेंट एकदम से कमजोर हो जाएगा, उसको अंधेरे कमरे में लेटने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप सैंगुइनेरिया 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंगुइनेरिया 30 की भी 4-4 बूंदें दिन में 3-4 बार आपको रिपीट करना है, 15-20 दिनों में पेशेंट का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। थर्ड मेडिसिन इज ग्लोनॉइन 200। ग्लोनॉइन 200 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको कंजेशन लगता है सर के अंदर, सर बहुत भारी भारी लगता है और बहुत सीवियर पेन होता है, दर्द ऐसा होता है कि लगता है कि सर अभी फट जाएगा, इस कदर सर में कंजेशन फील होती है। सर का दर्द तेज धूप में जाने से हो, तेज गर्मी की वजह से हो, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो, तो आप ग्लोनॉइन 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सर का दर्द आपको सोने से ठीक हो जाए, अगर आप रेस्ट कर लें अंधेरे कमरे में, अगर आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं शांति से, आपको एक नींद आ जाती है, तो सोने के बाद अगर आपका दर्द ठीक हो जाता है, ऐसी कंडीशंस में भी आप ग्लोनॉइन 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोनॉइन 200 को आप सुबह शाम दीजिए, 4 बूंदे सुबह 4 बूंदे शाम को, कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए आप इसको रिपीट करें और आपका दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। फोर्थ मेडिसिन इज साइक्लामेन 30। साइक्लामेन 30 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको ऑरा होता है, अटैक से पहले जिनको पता चल जाता है कि उनको माइग्रेन का अटैक अभी होने वाला है, पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट आने लगती है, कानों में सीटियां बजने लगती हैं और फिर सीवियर तरीके से दर्द शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में आप साइक्लामेन 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइक्लामेन 30 को भी आप दिन में 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं, कम से कम 10-15 दिनों के लिए आप उसको लगातार लीजिए और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। जो आपको ऑरा की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाएगी, आपकी कानों में सीटियां बजना वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बेटर हो जाएगा। फिफ्थ हमारी मेडिसिन है कालीफॉस 30। कालीफॉस 30 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका सर का दर्द एक स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाए, ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है, कोई स्टूडेंट को एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, किसी को इंटरव्यू का स्ट्रेस हो सकता है। अगर स्ट्रेस मेन कॉज है आपके दर्द का तो आप कालीफॉस 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफॉस 30 भी बहुत अच्छा काम करती है सर के दर्द के लिए। अब मैं आपको 3 ऐसी दवाइयाँ और बताती हूँ जिसको आप अगर अपने घर में रखते हैं तो मिनटों में आपके सर के दर्द का जो अटैक है, जो आपको माइग्रेन का अटैक है, वो बेटर हो जाएगा। सबसे पहली दवाई है उसमें बेलेडोना 200। बेलेडोना 200 आपको तब लेना है तब आपको कंजेस्टेड पेन हो, आपको सीवियर पेन हो, एकदम लगे कि आपका सर अभी फट जाएगा, आपको उसको चुन्नी से बांधने का, किसी टाइट बैंडेड से अगर आप उसको बांधने का मन करे, ऐसी कंडीशंस में आप बेलेडोना 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना 200 की 4-4 बूंदें आप हर आधे आधे घंटे में 2-3 बार आप रिपीट करें और आपके दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बेलाडोना एक ऐसी दवाई है जिसको हम सीवियर हेडेक्स में देते हैं, सीवियर पेन किलर होती है ये, बहुत अच्छा काम करती है, एज एन जनरल पेन किलर भी हम इसको बहुत अच्छा यूज करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नैट्रमियो 200। नैट्रमियो 200 हम तब देते हैं अगर किसी पेशेंट को बाहर धूप में जाने के बाद सर का दर्द शुरू हो जाए, अगर कहीं आप बाहर गए हैं, आपको पहले से भी माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, धूप में जाने से आपके दर्द और ज़्यादा बढ़ जाए, आपका दर्द एकदम फटने वाला हो, सर एकदम फटने वाला हो, किसी से बात करने का मन ना करे, अंधेरे में बैठने का मन करे, तो ऐसी कंडीशंस में आप नैट्रमियो 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर आधे आधे घंटे में आप नैट्रमियो 200 को रिपीट करें, कम से कम 4-5 बार, और आप देखेंगे कि आपका दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया है, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा जब आप नैट्रमियो 200 का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी हमारी दवाई है लैकेसिस 30। लैकेसिस 30 हम पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स को देते हैं जब मेनोपॉजल सिंड्रोम अप्रोच करते हैं, मेनोपॉज के बाद में अगर आपको माइग्रेन डेवलप हो गया है तो आप लैकेसिस 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम कम से कम 20-25 दिनों के लिए आप दीजिए, माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आज मैंने आपको बताया कुछ माइग्रेन के बारे में और ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिनको लेने के बाद आपके माइग्रेन का प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। माइग्रेन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके आगे एक बेल आइकन है जिसको क्लिक करके आप मेरे फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।